बुंदेलखंड में नदियों और पहाड़ों का अस्तित्व मिटता जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन पर भारी असर पड़ेगा। अभी भी जो पहाड़ों के आसपास लोग रह रहे हैं, वो कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पहाड़ों में बहुत जोरों पर खनन चल रहा है, तो नदियों में भी जोरों पर खनन चल रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण बहुत ही प्रभावित हो रहा है। इस पर्यावरण को बचाने के लिए जरर गांव में एक गोष्ठी की गई, जिसमें चित्रकूट से आए गोपाल दास महाराज ने नेतृत्व किया। इस गोष्ठी के तहत पर्यावरण बचाने को लेकर संकल्प लिया गया है। तो आइए जानते हैं किस तरह का माहौल है और क्या गोष्ठी में संकल्प लिया गया है। 84 कोस की परिक्षेत्र में यह धाम तीर्थ आता है। गिरवा विंध्यवासिनी माई है। आज भी लोग, हजारों लोग यहाँ पर श्रद्धा रखते हैं, आते जाते हैं। उनको छिन्न भिन्न किया जा रहा है और यहाँ के लोग, लोकल के लोग हैं, डरते हैं। जो भूमाफिया हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ के अधिकारियों से मिलकर के वो खदानों को पास करवा लेते हैं, और जो यहाँ की जो मूलभूत परंपरा है उनको छिन्न भिन्न कर रहे हैं, उनसे दूर हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र लोगों ने यहाँ पर पर्यावरण को लेकर के चिंता व्यक्त की, गोष्ठी की। उस गोष्ठी में हमको बताया, चूँकि पर्यावरण बचाओ अभियान पूरे बुंदेलखंड में, पूरे राष्ट्र में यह अभियान को लेकर के मैं सेवा देता हूँ कामतानाथ जी की ओर से, तो मुझे जानकारी मिली, तो मैंने कहा वहाँ पर मैं दर्शन भी करूँगा, आप लोगों के साथ वार्ता भी करूँगा। तो मैंने उनके साथ बैठक की, गोष्ठी की, उनकी पीड़ा को मैंने सुना और फिर मैं आज दर्शन भी किया वहाँ पर जा कर के। आसपास वहाँ जैसे दर्शन करने गया तो वहाँ बहुत सारे, लगभग 22 तो पर्वत बिल्कुल समाप्त ही कर दिए गए हैं, और 6 जगह सुन रहे हैं, 6-7 जगह मशीनें भी लगा रखी हैं कुछ लोगों ने। तो वैध हों चाहे अवैध हों, मेरा इनके लिए विरोध है, और मैं शासन सरकार से भी कहूँगा, यहाँ के आम जनमानस से भी अपील करूँगा कि वो अपने अपने स्तर पर पत्राचार करें, लिख करके दें, और फिर इसको बड़ा आंदोलन बनाया जाए, और इस आंदोलन में यहाँ की जनता, यहाँ के सारे लोग, यहाँ के साधु संत लोग, सारे लोग रहेंगे, और ये लड़ाई जारी रखी जाएगी, विशाल स्वरूप इसको दिया जाएगा। संपूर्ण चित्रकूट धाम 84 कोस की परिधि में है, उसको सुरक्षित किया जाए, ये मेरी मांग रहेगी। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।